हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। भक्ति का शक्ति क्या होता है, भक्ति का पावर क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से वही बताऊंगा। बहुत लोगों के मन में ऐसा लगता है कि भक्ति करके हम क्या कर लेंगे, हम नास्तिक ही ठीक है, हमें आस्तिक बनने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए ही बना रहा हूं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा और आपके मन में जितना आशंका रहता है वो सब दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भक्ति करने से क्या आपको फायदा मिल सकता है, बस वही फायदा मैं आपको बताऊंगा। आज का स्टोरी बहुत ही सिंपल होने वाला है। मैं उस व्यक्ति के बारे में कहानी लिया हूँ जो गांव में रहता था। उस व्यक्ति के पास में ज्यादा कुछ था नहीं, उसके पास में छोटा सा खेत था और अपना घर था। वो खेत में जितना कमाता था उतना पैसा से उसका घर चल जाता था। देखते देखते उसके बेटी का शादी का उम्र आ गया था, पर उसके पास में इतना पैसा नहीं था। जैसा कि सब लोगों को पता है, हमें जब पैसे की जरूरत पड़ता है तो हम बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। उसी प्रकार से गांव में जिसे पैसे की जरूरत पड़ता है वो अमीर सेठ के पास जाता है पैसा लेने के लिए, और ज्यादा ब्याज पर वो लोग पैसा लेते हैं। इस प्रकार से वो लोग अपने लाइफ का हर काम को सॉल्व कर पाते हैं। उसी प्रकार से उस व्यक्ति ने भी अपनी बेटी का शादी तो करवा दिया, और देखते देखते साल भर इस बात को बीत गए थे। आस्ते आस्ते करके सब पैसा वो चुका चुका था। जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था इंटरेस्ट के साथ, वो जाकर साहूकार को दे देता है और साहूकार से कहता है, मैंने आपका सारा पैसा चुका दिया है, अब आप मेरा कागज मुझे दे दीजिए। तो साहूकार कहता है, हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा कागज दे दे रहा हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा कि तुमने सारा पैसा दे दिया है, कि फ्यूचर में अगर मान लो मैं भूल भी जाऊँ तो मेरे पास में डॉक्यूमेंट रहेगा कि तुमने मुझे सारा पैसा दिया है। कहने के बाद साहूकार उस गरीब किसान से एक पेपर में सही करवा लेता है और कहा देता है, अब मेरे पास में डॉक्यूमेंट हो गया, तुम अपना पेपर लेके जा सकते हो। और किसान को एक डॉक्यूमेंट दे देता है, वो लेकर अपना घर चला जाता है। और 6 मास बीत जाते हैं, अपना किसान अपना खेती बाड़ी करता है और आराम से अपना लाइफ को जी रहा है। अचानक से एक दिन साहूकार आता है और कहता है, तुम मेरे जमीन पर कब्जा क्यों किए हो, और 6 महीना से तुम मेरे जमीन पर खेती क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी कभी छोड़ना पड़ेगा वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। इतना सुनते किसान चौंक जाता है, उसके मन में कुछ चलता नहीं है। कहता है, मैंने तो आपका सब पैसा लौटा दिए हैं, एक एक पाई इंटरेस्ट के संग में चुकाया हूँ, अभी क्या कर रहे हैं। इतना सुनते साहूकार कहता है, मैं वो सब कुछ नहीं जानता हूँ, ये मेरा जमीन है, तुमने अपना जमीन मेरे नाम पर कर दिया है। किसान तो पढ़ा लिखा रहता नहीं है, बिना पढ़े उसने साइन कर दिया था। अब आपके मन में चल रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको जो कह रहा हूँ ये बहुत दिन पहले की कहानी है। उस समय किसी के भी नाम पर जमीन कर सकते थे, अगर आपने साइन करके किसी को भी डॉक्यूमेंट दे दिया उसके नाम पर वो जमीन हो जाता था। पर आज के समय में ये सब चेंज हो चुका है, इसीलिए इस कहानी को अभी के संग कंपेयर मत करिएगा, आप इस कहानी को मैच नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आपको मेन मोटिव मैं बताता हूँ। किसान कहता है, मेरे पास में भी तो डॉक्यूमेंट है, तुम्हें कोर्ट जाना तो तुम जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में सुनवाई होती है। किसान अपना डॉक्यूमेंट दिखाता है तो जज कहते हैं, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट तो फरेब है, ये तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ये तुम मुझे क्या दिखा रहे हो, ये तो पुराना रसीद है। इतना सुनते ही किसान का मन टूट जाता है, पर वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त रहता है। वो कृष्ण भगवान से कहता है, आप मेरा मदद करिए, अगर आप मेरा मदद नहीं करिएगा तो मेरा मदद कौन करेगा, इसीलिए कृपा करके मेरा मदद करिए, क्योंकि मेरे पास उस थोड़े से जमीन के अलावा और कुछ भी नहीं है, अगर वो भी चला गया तो मैं क्या खाऊंगा और अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। किसान अपने मन में इतना सोच ही रहा होता है कि जज कहते हैं साहूकार से, तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि वो जमीन तुम्हारा है, तुम्हारे पास में कोई डॉक्यूमेंट है, अगर है तो मुझे लाकर दिखाओ। साहूकार कहता है, हाँ मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं अभी कभी जाता हूँ लेकर आता हूँ। साहूकार अपने घर जाता है और जहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जैसे ही वो अलमारी खोलता है, चूहे ने उसके सारे डॉक्यूमेंट को कुदर दिया है और सब छोटे छोटे पीस में बिखर चुका है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ किसान का डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके भी घर के सब कागजात थे, चूहे ने सब कुदर दिया है। वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या रखा हुआ था क्या नहीं रखा हुआ था, क्योंकि सब इस प्रकार से मिल चुका है, इस प्रकार से मिक्स हो चुका है। हैंडराइटिंग से समझ में नहीं आ रहा इस पेपर में क्या लिखा हुआ था, चूहा ने इस प्रकार से कुदर दिया है। ये दृश्य देखने के बाद साहूकार बिल्कुल टेंशन में आ जाता है, उसके मन में कुछ चलता नहीं है। वो अपना लज्जित मुंह लेकर कोर्ट में आता है, जज साहब से कहता है, मेरे पास में तो कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इतना सुनते ही जज भड़क जाते हैं और साहूकार से कहते हैं, तुमने कोर्ट का टाइम वेस्ट क्यों किया है, मैं तुम्हारे ऊपर इसी वक्त केस कर सकता हूँ, तुम्हारे पास में जो भी है अगर तुम उसका डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए तो अभी कभी तुम्हें मैं भीतर कर सकता हूँ। किसान बेचारा चुपचाप साइड में बैठा हुआ है, उसके मन में कुछ चल नहीं रहा है। अचानक से देखता है उसका वाइफ आ रही है और आकर किसान से कहती है, तुम अपने घर में एक कागज भूल आए थे, ये कागज तुम लो, शायद तुम्हें इस कागज का यहाँ पर जरूरत पड़ सकता है, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं है। किसान को समझ में आता नहीं, अपने लॉयर से कहता है, ये कौन सा कागज है, मेरे वाइफ ने मुझे लाकर दिया है, एक बार तुम देखो। लॉयर जैसे देखता है समझ में आ जाता है और जज साहब से कहता है, जज साहब लीजिए डॉक्यूमेंट मिल चुका है, ये जो जमीन है किसान का ही है, साहूकार का नहीं है। इतना सुनते ही साहूकार का हक्का बक्का बंद हो जाता है, उसके मन में चलता है, मेरी अलमारी में जितना डॉक्यूमेंट है सब डॉक्यूमेंट चूहा ने कुदूर दिया है, ये डॉक्यूमेंट इसके पास में कैसे पहुंचा, कैसे इसके पास में आया, इसे कुछ समझ में आता नहीं है। किसान अपने घर जाता है, अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है। उसकी पत्नी कहती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। किसान कहता है, अगर तुम सही वक्त पर ये कागज लाकर मुझे कोर्ट में नहीं देती तो शायद आज वो जमीन हमारे हाथ से चला जाता। पत्नी कहती है, मैं तो आज सारा दिन अपने घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम पड़ोस में जाकर पूछ सकते हो। ये सुनने के बाद किसान की आंखों में आंसू आ जाता है, उसके मन में चलता है, तो कोर्ट में कौन था जो मेरी पत्नी का रूप लेकर आया था और स्वरूप में मुझे इस कागज को देकर चला गया। इतना सोचते श्री कृष्ण का याद आ जाता है और मेरे मन में चलता है, वो प्रभु आए थे और प्रभु ने मेरा हेल्प कर दिया है, अगर प्रभु मेरे वाइफ के रूप में नहीं आते तो शायद आज हमारा जमीन हमारे पास में होता नहीं और हम
भूखे मर जाते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, भगवान को कैसे याद करते हैं, कैसे बुलाते हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास में कितना पैसा है, कितना धन दौलत है। अगर आप सब लूट के रखे हुए हैं, एक बात हमें याद रखिएगा, आप इस दुनिया में पूरा दुनिया को लूट सकते हैं और भगवान के दिल को लूट नहीं पाइएगा। इसीलिए भगवान आपके प्रेम के भूखे होते हैं, आपके पैसे के भूखे नहीं है। अगर आपको भगवान को खुश करना है तो भगवान में लीन होना पड़ेगा, भक्त बनना पड़ेगा। और मुझे इस वीडियो में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप पहले से समझदार है। आज के लिए बस इतना ही। अपने चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और पहली बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।